रायसेन जिले के होमगार्ड परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया। इसी दौरान स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कलेक्टर अरविंद दुबे, SP विकास कुमार शाहवाल और BJP जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा मौजूद रहे। प्रिय प्रदेशवासियों, भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के जन जन को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये गुलामी की जंजीरों को टूटने का दिन है, ये नए बीज से कोपल टूटने का दिन है, ये देश की दिशा को मोड़ने का दिन है, ये भारत को एक सूत्र में जोड़ने का दिन है। उनके नेतृत्व में आजादी के अमृतकाल में 21वीं सदी का एक ऐसा समर्थ और समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जिसमें हमारे सपने, हमारी आंखों के सपने ही पूरे हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, भारत से सीख रही है। वासुदेव कुटुंबकम विश्व मंत्र के रूप में उद्घोषित और उच्चारित हुआ। पिछले 5 वर्षों में देश के 13 करोड़ से अधिक लोगों की गरीबी से बाहर आना, आकाश में चंद्रयान और धरती पर बंदे भारत, न केवल दूसरों के दुख को सुख में बदलना बल्कि अपने सुख को भी दूसरों के सुख में बदल देना ही आजादी के मंत्र की असली सार था। वतन की आजादी के लिए मर मिटने वालों ने जिस गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली और समृद्धशाली भारत के निर्माण का सपना देखा था, उसे